नमस्कार आप जो रहा छो गुजराती नंबर वन न्यूज चेनल न्यूज 18 गुजराती आफ्टरनून प्राइम टाइम बुलेटिन साथे उपृथा अने समाचार मां सौ प्रथम बात नरोडा गाम केस मां चुकादानी अमदावादना नरोडा गाम हत्याकांड केस में 2:30 वाग्या सुधी सुनावणी मुलतवी रखाई हती जारे आरोपीओने 2:30 वाग्या सुधी हाजर थवा आदेश करवामां आव्यो छे। एसआईटीनी स्पेशल कोर्ट चुकादो संभळावशे। महत्वना समाचार छे के नरोडा गाम हत्या केस में चुकादो आवनार छे। 2:30 वाग्या सुधी मुलतवी सुनावणी राखवामां आवी हती। एसआईटीनी स्पेशल कोर्ट चुकादो संभळावशे। तो 2002 ना नरोडा गाम हत्या केस में स्पेशल कोर्ट आज चुकादो संभळावी शके छे। 21 वर्ष बाद आज केस में चुकादो आवानी शक्यता छे। आ केस में तत्कालीन मंत्री मायाबेन कोडनानी, बजरंग दलना कार्यकर बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद नेता जयदीप पटेल, तत्कालीन कोर्पोरेटर वल्लभभाई पटेल सहित 86 आरोपी सामे गुनो नोंधायो हतो। नरोडा पाटियानी जेम नरोडा गाम में पण हिंसा फाटी निकली हती अने 11 लोकोने जीवता सळगावी देवामां नरोडा पोलीस स्टेशन में केस नोंधायो हतो। आरोपीओ विरुद्ध हत्या, हत्याओ प्रयास, गैरकायदेसर भीड़ एकठी करवी, रमखाण करव, घातक हथियारों उपयोग तथा गुनाहित कावतरू घड़वा सहित आरोपों छे। क्राइम ब्रांचे पण तपास करी छे। जो कि ऑगस्ट 2008 में सुप्रीम कोर्टे आ केस की तपास माटे एसआईटी की रचना करी। तपास बाद 86 आरोपी सामे चार्ज फ्रेम कराया हता। 2009 में कोर्ट में ट्रायल शुरू थई हती अने जेमां तपास अधिकारी साक्षीओना निवेदन नोंध्या बाद 2017 थी बन्ने पक्ष तरफ थी दलीलों शुरू कराई हती, जे गई 5 एप्रिले पूर्ण थया बाद कोर्टे चुकादो अनामत राख्यो हतो। समग्र ट्रायल दरमियान फरियाद पक्षे 187 साक्षीओ रजू कर्या छे अने जेमां 113 जेटला पीड़ितो अने तेमना संबंधीओ, 24 पंच साक्षी, ज्यारे 26 पोलीस कर्मीओ अने 12 जेटला डॉक्टर्स पण शामिल छे। कुल डिटेल्स तथा स्टिंग ऑपरेशन ने पण फरियादी पक्षे कोर्ट में रजू करी आधार बनाव्या हता। बचाव पक्षे पण 60 जेटला साक्षीओ रजू कर्या छे। आ समग्र केसनी विगतो अंदाजे 10,000 जेटला पानामां छे। 86 आरोपीओमांथी 17ना मृत्यु थया छे, ज्यारे हवे 69 आरोपीओ अंगे कोर्ट चुकादो संभळावशे। तो राज्य में काळजाळ गर्मी थी आंशिक राहत ना समाचार छे। गुजरात में गर्मी लेशे 3 दिवस नो विराम। हवामान विभाग की आगाही छे के 3 दिवस गर्मी करशे। 3 दिवस में पारो 2-3 डिग्री नीचे उतरी शके छे। 3 दिवस बाद फरी आग उगती गर्मी पड़शे। राज्यना घणा भागों में पारो 2-3 डिग्री उचकाई शके छे। खेडूतो माटे राहत ना समाचार, 5 दिवस मावઠાની શક્યતા નથી। पांच दिन में पूरे गुजरात में वेदर मोस्टली ड्राई वेदर होने का संभावना है और बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। और टेम्परेचर देखा जाए तो अगले 3 दिन में टेम्परेचर घटने का संभावना है बाय 2-3 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर मोस्टली जो थोड़ा सा बढ़ गया है, मोस्टली अगले 3 दिन में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। लेकिन 3 दिन का बाद फिर फर्दर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है बाय 2-3 डिग्री सेल्सियस। तो अमदावाद वासीओ सावधान रहेजो। अमदावाद में 3 दिवस बाद आखरी गर्मी पड़शे। 23-24 एप्रिले अमदावाद में येलो एलर्ट अपायु छे। 3 दिवस बाद पारो 41-42 डिग्री ए जई शके छे। हाल पोरबंदर वेरावल में महत्तम तापमान सामान्य करता 5 डिग्री वधु नोंधायु छे। अहमदाबाद में 3 दिन का बाद शायद 41-42 तक भी जा सकता है। अभी फिलहाल अगले 3 दिन के लिए कोई भी अलर्ट नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। लेकिन 3 दिन का बाद जो हीट एक्शन प्लान है अहमदाबाद के लिए डे 4 यानी डे 5 को हो सकता है येलो वार्निंग जा सकता है।
तो राज्य में वीजळी नो वपराश वध्यो छे। गर्मी थी बचवा लोकोए वधार्यो छे वीजळी नो वपराश। राज्य में प्रतिदिन 24,000 मेगावोल्ट वीज वपराश छे, ज्यारे सामान्य दिवसों में थतो 16,000 मेगावोल्ट वीज वपराश। आगामी दिवसों में गर्मी वधता हजू वधी शके छे वपराश। ऊर्जा विभागे वीज वपराश ने लई करी छे आगाही। गर्मी ने कारणे राज्य सरकारे वीज उत्पादन वधार्यु।